नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल अपने महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में पढ़ा और आज हम चंपारण नील सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण नील सत्याग्रह 1917 में और चंपारण बिहार में। बिहार चंपारण किसान नील की खेती व तीन कट्टिया पद्धति से परेशान थे। किसान नील की खेती करते करते परेशान हो गए और किसानों की भूमि बंजर हो गई। लखनऊ अधिवेशन के तहत राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले तथा चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में गांधी जी को अवगत कराया। राजकुमार शुक्ल जी के निर्देशन से गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचते गांधी जी को मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। भारत में यह गांधी जी का प्रथम कारावास था। सरकार ने गांधी जी को अपना सहयोगी मानकर जेल से मुक्त कर दिया। गांधी जी अपने सहयोगी के साथ किसानों से मिले और रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान वह एडवोकेट गौरव प्रसाद के घर पर रुके। ब्रिटिश सरकार ने पेंगसोई की अध्यक्षता में किसानों हेतु जांच कमेटी बनाई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% भाग किसानों को लौटा दिया गया। यहां तक देखो, आगे पढ़ते गांधी जी की सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। यह इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है महात्मा की उपाधि मिली चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि मिली। इसे सत्याग्रह से महादेव देसाई गांधी जी के सचिव बने और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण नील सत्याग्रह का उल्लेख दीनबंधु के ग्रंथ नील दर्पण में मिलता है। धन्यवाद।